ओके सो फैमिली, स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो भाई ये हमारे चैनल का वंस इन अ लाइफ टाइम फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो होने जा रहा है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपनी स्टोरी टाइम बताएंगे। तो हाँ, ये हमारा पहला स्टोरी टाइम है, तो चलो अपनी स्टोरी ही सुन लेते हैं। तो भाई वंस अपॉन अ टाइम, इन माय सिटी, वहां पे क्या हुआ? भाई जो मैं तुम लोग को स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ना, वो स्टोरी होने जा रही है भाई 2019 की, जब मैं था क्लास 9th के अंदर। और भाई हमारा ये एक गेम्स के पीरियड के रिलेटेड ही मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि क्यों भाई यहाँ पे कोई भी टीचर ले लेता है हमारा गेम्स का पीरियड। मतलब भाई मेरे को ये चीज़ समझ में आज तक नहीं आई स्कूलों की, भाई जब भी हमारा गेम्स का पीरियड होता था, वो गेम्स का पीरियड, उसका नाम अगर गेम्स का पीरियड रखा है तो तुम उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने क्यों आ रहे हो? मतलब भाई अभी तुमने देखा मैथ के पीरियड में इंग्लिश वाले टीचर आने की, भाई नहीं मैथ वाले सर तुम जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश। और इंग्लिश के पीरियड में कोई मतलब यहाँ पे SST या फिर आप लोग कोई और टीचर आके कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे इंग्लिश नहीं होगी, यहाँ पे SST होगी। तो भाई तुम लोग गेम्स के पीरियड में क्यों आ जाते हो? मतलब भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई टीचरों को भेज दिया जाता है हमारे गेम्स के पीरियड के लिए। मतलब एक ही वो पीरियड मिलता है कि भाई और कोई पीरियड ले लो ना, गेम्स का पीरियड ही है क्या? बेटे अभी स्कूल में ही है तुम? हाँ वो मैं भूल गया कि मैं अभी स्कूल में ही हूँ, लेकिन हाँ स्टोरी बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ और एकदम सीधी सादी स्टोरी हो जा रही है। देखो भाई ऐसा होता है कि यार देखो हम लोग को कहता ना, हम लोग पीछे बैठे रहते थे, ठीक है, कुछ चार पांच हमारे बंदे, मतलब तीन चार बंदे हम लोग दोस्त थे, हम लोग पीछे बैठे रहते थे बैक बेंच, हाँ तुम लोग कह सकते हो बैक बेंच, हम लोग पीछे बैठे रहते थे। तो क्या हुआ 9th क्लास में भाई हम लोगों ने ऐसा था कि भाई हम लोग पिछले हफ्ते, मतलब जैसे आप लोग कहो हमारा एक मंडे को गेम्स का पीरियड आता था और उस समय भाई मतलब एक बार हमारे पीटी सर एब्सेंट हो गए थे। वैसे पीटी सर मैं तुम लोगों को एक बताऊं, हमारे यहाँ कोई पीटी सर नहीं कहता था, पीटीआई सर कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं पीटीआई सर, क्या तुम्हारे स्कूल में भी कहते हैं पीटीआई सर? मुझे नहीं पता भाई, हमारा स्कूल अनोखा है जहाँ पे पीटीआई सर कहते हैं, अभी औरों का भी है वैसे वो पीटी सर होता है शायद, लेकिन हमारे यहाँ पीटीआई सर कहते हैं। हाँ तो मैं पीटीआई सर ही कहूँगा कि पीटीआई सर एब्सेंट हो गए थे उस दिन और हाँ तो उस दिन हमारा गेम्स का पीरियड नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग बाहर नहीं जा पाए या फिर बारिश हो गई, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं क्या हुआ उस दिन, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई देखो हमारा वो वाला हफ्ता तो गया, वाला मंडे गया जिस दिन हम गेम्स खेले जाते थे। अब भाई हमें जाना था अगले मंडे के लिए, अब हमें रुकना पड़ा अगले मंडे के लिए। हमने भाई जैसे तैसे हम अगले मंडे में आए, तभी भाई वहाँ पे हम लोगों को पता था भाई हम लोग गेम्स के लिए जाने वाले, गेम्स के लिए जाने वाले हैं। तभी वहाँ से आती है दरवाजे के अंदर हमारी इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश टीचर आके कहती है चलो बैठो सब बच्चों, मैं यहाँ पे तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश। मतलब नहीं भाई, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया भाई। मतलब हम लोग एक हफ्ते से यहाँ पे गेम्स के पीरियड के लिए रुके और अचानक कोई आके कहता है कि मैं इंग्लिश का पीरियड लेने वाली हूँ, तो भाई हम लोग को तो दिल का दौरा आना ही था। अब भाई हम लोगों ने भी सोच ली कि भाई यार अब मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी तो भाई मतलब ऐसा तो चलेगा नहीं भाई, गेम्स का पीरियड है। अब भाई पूरी क्लास हल्ला करने लग गई कि मैम ये तो गेम्स का पीरियड है, आप यहाँ पे इंग्लिश का पीरियड कैसे ले सकते हो? मैम ने कहा बेटा जिसको नहीं पढ़ना वो बाहर जा सकता। पूरी क्लास उठ के बाहर चलेगी भाई, रियली पूरी क्लास उठ के बाहर चली, मैम बच्चों को पकड़ रही है, अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पूरी क्लास बाहर जा रही है। मैम ने कहा बैठो सब लोग जगह में जाके, कोई बाहर नहीं जाएगा। अब भाई मैम ने तो हमसे कहा था ना कि भाई बाहर जाओ, तभी तो हम बाहर गए, वो नाम क्यों जाते? मैम ने कहा भाई जिसको जाना बाहर जाओ, हम चले गए सिंपल। तो भाई मैम भी समझ गई थी अगर मैं इनसे बाहर जाने को कहूंगी तो पक्का बाहर चल जाएंगे, इसलिए मैम ने कहा चुपचाप मैम बैठ के पढ़ो, जो मैं लिखा रही उसको लिखो। तो भाई मैम ने एक पीरियड पहले ही ले रखा था, ठीक है, मैम ने थर्ड पीरियड लिया, उसके बाद मैम सिक्स्थ पीरियड फिर से ले रही थी जो कि हमारा गेम्स का पीरियड। अब भाई हमने भी सोचा भाई हम एक हफ्ते से रुके, ठीक है, पिछले मंडे भी नहीं गए और इस मंडे भी नहीं जाएंगे, ये तो भाई बहुत गलत बात हो जाएगी, हम लोग गेम्स पीरियड खेलने जाएंगे। भाई हमने सोचा ना जो मैम लिखा रही है हम नहीं लिखने वाले भाई, ठीक है, हमने कहा हम नहीं लिखेंगे भाई ये जो भी मैम लिखा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने हम लोग तीन चार बंदों का जो ग्रुप था उन्होंने तो डिसाइड किया, बाकी औरों ने भी कर लिया था, मतलब पूरी क्लास ने नहीं करा था, हाँ आधी क्लास ने कर लिया था कि भाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन तभी जब मैम ने लिखाना चालू किया, मैम मतलब बच्चों की फट गई भाई, वो लिखना चालू हो गए, सब लिखना चालू हो गए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया भाई तुम लोग लिखने क्यों लग गए, जब तुम पहले कह रहे थे कि भाई नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तुम लिखने में जाते हो। मतलब ये वही बच्चे होते हैं ना जो धोखा देते हैं आखिरी मोमेंट में, मतलब कहते हैं भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा है और इन्होंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, हाँ तो हमने कहा हम नहीं लिखने वाले और मैम को पता चल गया कि भाई हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अब मैम को भी आया गुस्सा, मैम ने कहा भाई ये बच्चे नहीं लिखेंगे ना, तो मैम ने उठाया वहां से एक बच्चे को, मैम ने कहा बेटा जाओ स्टिक लेके आओ। ये बात सुन के हमारी फट गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी नहीं फटी, हम लोग बैठे, हमने सोचा कि हाँ भाई आज मार खा लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, और ये सच बता रहा हूँ, हमने सोचा कि भाई मार खा लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। वो बच्चा स्टिक लाने गया, ठीक है। अब मैम ने जिस बच्चे को स्टिक लाने भेजा था भाई, वो बंदा 15-20 मिनट घूमने के बाद आ रहा है, मतलब हम लोग 15-20 मिनट से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो 15-20 मिनट घूमने के बाद आ रहा है। मेरे को नहीं पता वो घूम रहा था कि स्टिक ढूंढ रहा था, हाँ चाहे वो स्टिक ही ढूंढ रहा होगा, उसको स्टिक मिली नहीं। जैसे वो क्लास में आया उसने कहा मैम मे आई गेट इन, वहीं पे मैम कहती है बेटा स्टिक कहाँ है बेटा,
और पता है वो क्या कहता है? मैम स्किप तो मिली ही नहीं। अब क्या भाई, मैम का पाला और हाई हो गया। मैम ने कहा भाई एक तो बच्चे लिख नहीं रहे, ऊपर से ये बंदा इतने देर घूमने के बाद स्टिक नहीं लाया, भाई मतलब तू करके क्या आया फिर? और मैम ने भाई हमें नहीं उसको पीट दिया। मुझे समझ में नहीं आया, मैम ने भाई हमें पीटने के लिए स्टिक मंगाई थी और मैम उसे पीट के मैम ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। मैम ने कहा तू घूम के आ रहा है, बाहर निकल क्लास से। मैम उसको बाहर कर दिया भाई लिटरली, और हम लोगों ने पूरे पीरियड में कुछ नहीं लिखा और बैल भी बज गई थोड़ी देर में। मतलब हमें ही समझ में नहीं आया भाई, मार हमें पढ़नी थी, पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल जाती है यहाँ पे किसको? जिस बंदे को भाई तो लिख रहा था आज को स्टिक लाने के भेजा, और मैम उसी को खड़ा कर देती है। छोड़ो। हाँ तो भाई देखो यार, ये मैं मानता हूँ कि हाँ यार पढ़ना जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन लेकिन क्या वो पढ़ना सिर्फ गेम्स के पीरियड में जरूरी है? मेरे को ये बताओ भाई, क्या वो पढ़ना सिर्फ गेम्स के पीरियड में जरूरी है? भाई मैं ये मतलब ये कहना चाहूंगा कि भाई यार गेम्स का पीरियड जरूर कराया करो यार। भाई देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गेम्स का पीरियड जरूर कराओ। अब मुझे लगता है कि भाई जब तक हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, क्योंकि अब मेरे तो कुछ ही साल बचे हैं स्कूल में जा सकता हूँ, तो एक ही साल बचा है, तो हम लोग अब गेम्स खेल के करेंगे भी क्या भाई? जो पीछे वाले बच्चे हैं उनके लिए ही कुछ कर दो, और बाकी मेरे को लगता है भाई ये स्कूल वाले जब हम लोग चले जाएंगे ना तभी गेम्स मतलब ऐसा करेंगे, चार पाँच पीरियड गेम्स हो रहे हैं बाकी चार पीरियड पढ़ाई हो रही है, इतना भी मत करना, मतलब एक पीरियड ही देना।